अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन पैटीज़, जिसके लिए हमें चाहिए 2 कप बोनलेस चिकन। और अब हम पानी को बॉईल करेंगे और उसमें हम 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और उसमें हम चिकन को ऐड कर देंगे। उसको हम बॉईल करेंगे और एक प्याज ले लेंगे मीडियम साइज़ चॉप कट, और हरी मिर्चियाँ ले लेंगे हम 2 से 3 अदद, और उसको हम चॉप कट कर लेंगे। उसके बाद जो चिकन हमने बॉईल कर ली है उसको हम श्रेड कर देंगे। ये देखिए, हमने चिकन को श्रेड कर लिया है। उसके बाद हम पैन ले लेंगे और उसमें हम 1.5 टेबल स्पून बटर ले लेंगे। जब वो पिघल जाएगा यानी मेल्ट हो जाएगा, अच्छे से हम उसको मेल्ट कर देंगे हीट अप करने के बाद। उसके बाद हम उसमें प्याज ऐड कर देंगे जो हमने चॉप कट किया हुआ था, और चिलीज ऐड कर देंगे जो हमने चॉप कट करके रखी हुई थी। हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमने ग्रीन चिलीज ऐड कर दी हैं इसमें। इनको हम फ्राई करेंगे। देखिए, ये मज़ेदार हमारी चिकन रेडी हो रहा है। तो हमने इसमें श्रेडेड चिकन ऐड कर दिया। उसमें 1/2 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे नमक, 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। नमक आप एज़ पर टेस्ट ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा। देखिए, इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें 1/2 चिकन क्यूब ऐड कर देंगे मज़े के टेस्ट के लिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून फ्लावर यानी मैदा या आटा। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध। ये देखें, ये अच्छे से फ्राई हो रहा है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइसेस प्लीज़। ये देखें, बहुत मज़ेदार सा पेस्ट हमारा रेडी हो रहा है चिकन पैटीज़ की इनर फिलिंग के लिए। ये देखें, ये हमारी जो इनर फिलिंग है ये ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखिए, ये रेडी हो गया है। हमने डो तैयार कर ली थी पहले ही पैटीज़ की आउटर कवर के लिए। तो उसके बाद हम इसके ले लेंगे मोल्ड्स जो इसकी शेप के होते हैं, कटर्स। तो इसमें से जो आपको सही लगे आप उसमें से चूज़ कर सकते हो, मीडियम, स्मॉल, लार्ज। ये देखिए, ये मैंने ये वाला चूज़ कर लिया और इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। इसकी हम कटिंग एक दफ़ा कर लेंगे और बाद में इसकी फिलिंग करेंगे। ये देखिए, कुछ हैं हमने पैटीज़ के लिए कटिंग कर ली है। उसके बाद जो रिमेनिंग हमारी डो है उसको हम दोबारा गूंदेंगे और उसको भी हम कट कर लेंगे शेप्स में। उसके बाद हम एक अंडा ले लेंगे, उसको बीट कर लेंगे और उसके बाद जो हमने इसकी शेप्स बनाई हैं उस पर हम ब्रश करेंगे और उसके बाद हम उसमें इनर फिलिंग देंगे जो हमने चिकन का पेस्ट रेडी किया था। ये देखें, उसके बाद हमने साइड से इससे फोक की मदद से इसको कर दिया। उसके बाद 280 डिग्रीज पे हम हीट अप करेंगे अवन को और 40 मिनट्स के लिए हम इसको बेक करेंगे। ये देखें, ये अब इसको हम ओवन में रख रहे हैं, आफ्टर 40 मिनट्स आपको दिखाएंगे। और ये देखें, हमारे चिकन पैटीज़ रेडी हैं। आप लोग भी घर पे इसे ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।